आपने जो है गूगल का नाम तो सुना ही होगा। गूगल में एक ऐसा फीचर्स है जिसका नाम है गूगल वॉइस असिस्टेंट। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके बारे में लगभग सभी ने सुना होगा और हो सकता है इसको सभी ने अच्छी तरह से यूज भी किया हो। तो फ्रेंड्स, वॉइस असिस्टेंट की बात करें तो आईफोन में भी एक वॉइस असिस्टेंट होता है जिसका नाम सिरी है। इसके बारे में जो है आईफोन यूजर्स अच्छी तरह से जानते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि जो वॉइस असिस्टेंट होता है इससे आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं वह आपको सही से सही आंसर देता है। गाइस, आप लोगों ने कभी यह सोचा है कि यह जो असिस्टेंट होता है यह हमारे लैंग्वेज को या हमारे क्वेश्चन को कैसे इतनी जल्दी समझ जाता है और जो है वह आपको एकदम करेक्ट आंसर कैसे बता देता है? तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी से जुड़े टॉपिक के बारे में बताएंगे कि यह कैसे काम करता है और इसके पीछे कितने लोगों का हाथ है, इसको कैसे बनाया गया है, क्या इसके पीछे कोई पर्सन रहता है जो हमारे क्वेश्चन का आंसर देता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राज सोनी और आप देख रहे हैं टेक्निकल ज्ञान चैनल। तो फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो वॉइस असिस्टेंट होता है यह जो है कंप्यूटर इंजीनियर और मैकेनिकल इंजीनियर के द्वारा बनाया जाता है, जिसको हम एआई भी कह सकते हैं। यह एक एआई का रूप है। एआई का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यह एक टीम होता है जिससे जो है वॉइस असिस्टेंट या ऐसे बड़े बड़े चीजें बनाए जाते हैं जो यह खुद अपने ही बल पे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ। आप लोगों ने जो है रोबोट्स तो जरूर देखे होंगे, लेकिन क्या आपने सोचा है कि रोबोट जो है इंसानों की तरह कैसे काम कर लेते हैं? इंसानों की तरह उसमें सोचने की क्षमता कैपेसिटी कहाँ से आ जाती है इतने ढेर सारे? और वह जो है इंसानों से भी बेटर अच्छे से काम करते हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने रोबोट्स तो देखे होंगे, तो वह रोबोट्स जो है एआई के ही एक रूप है। एआई ने इसको बनाया है। एआई की बात करें तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसके पीछे जो है कंप्यूटर इंजीनियर्स और कई मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं जो ऐसे ढेर सारे रोबोट्स बनाते हैं और उनके अंदर प्रोग्रामिंग करके ऐसे सोचने समझने की क्षमता डाल देते हैं, कैपेसिटी को ऐसे बढ़ा देते हैं ताकि वो जो है हम इंसानों से बेटर जान सके। गाइस, वॉइस असिस्टेंट भी एक इसी का ही रूप है। वह भी एक एआई के बेस पर ही बनाया गया है, क्योंकि जब भी हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो इसके पीछे बैठा जितने भी प्रोग्रामिंग किया हुआ है इसमें, जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर ने इसमें प्रोग्रामिंग करके इसको जो है अच्छे से डेवलप किया है, उसमें जो है जब भी हम कोई क्वेश्चन वॉइस असिस्टेंट से पूछते हैं तो वह सबसे पहले जो है गूगल पे या और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जाकर उसको सर्च करता है और सर्च करने के बाद आपको जो है अच्छे से अच्छे रिजल्ट जो है स्क्रीन पर शो कराता है और वह जो है वॉइस से भी आपको रिस्पॉन्स करके बताता है। फ्रेंड्स, जो वॉइस असिस्टेंट होते हैं वह जो है कंप्यूटर इंजीनियर इनको प्रोग्रामिंग करके कुछ लैंग्वेजेस में डाल देते हैं और जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं इसका एक रूप बनाते हैं, इसका एक जो है ढांचा बनाते हैं, जिससे जो है आपने रोबोट देखे होंगे, जो रोबोट का ऊपरी हिस्सा होता है उसे मैकेनिकल इंजीनियर बनाते हैं और जो उनमें सोचने समझने की जो क्षमता होती है, जो कैपेसिटी होती है, उसे जो है कंप्यूटर इंजीनियर्स के द्वारा प्रोग्रामिंग करके उनके अंदर डाला जाता है ताकि वो हमसे भी बेटर जान सके या इंसानों की तरह अच्छे से काम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स बात करें एआई का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसका नाम किसने दिया और इसकी खोज सबसे पहले किसने की? तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि एआई की खोज जो है अमेरिका के एक साइंटिस्ट जॉन मैकार्थी के द्वारा हुआ था। यह जो है एक प्रयोगशाला में गए और वहां पे जाके जो है स्टूडेंट को जो है इसके बारे में बहुत ही एक्सप्लेन से बताया, जिससे जो है इसकी शुरुआत यहीं से हुई है। जो दोस्तों या जो जॉन मैकार्थी थे, या एक कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, या जो प्रोग्रामिंग करते थे, तो इन्होंने सोचा कि क्या प्रोग्रामिंग करके एक ऐसा रोबोट बनाया जा सकता है जो इंसानों की तरह सोचे। तो यहीं से जो है दोस्तों एआई की शुरुआत हुई। हम अपने चारों जितने भी डिवाइसेस देखते हैं, जैसे कि मोबाइल फोन्स हो गए, फैन हो गए, या सभी जो है एक एआई के ही रूप हैं।
या जो है इसे एआई के द्वारा ही बनाया गया है। फ्रेंड्स जब इसे बनाया जा रहा था, इसके बारे में सोचा जा रहा था, तो सब लोगों ने इसके बारे में बहुत ही सोचा समझा, इसमें इसको सोच के तब जाके इस पे डिसीजन लिया था कि यह बनाने के बाद क्या यह हमारे इस वर्ल्ड में अच्छे से काम कर सकता है, वर्क कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ प्रॉफिट भी होता है, कुछ लॉस भी होता है। प्रॉफिट यह होता है कि यह इससे जो है हमारे काम बहुत जल्दी से हो जाएंगे और इससे जो है काम जो है एकदम अच्छे से होंगे। और इससे लॉस क्या होता है फ्रेंड्स, इससे जो है जितने भी हाई एजुकेटेड जो है स्टूडेंट होते हैं, जितने भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट होते हैं, वह सभी को जो है नौकरी पाने में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। क्योंकि यदि मशीनें ही काम करने लगेंगी तो इंटेलिजेंट और हाई एजुकेटेड स्टूडेंट को जो है नौकरी पाने में थोड़ी समस्या और दिक्कत हो सकता है। फ्रेंड्स गाइस यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, और ऐसे ही ढेर सारी वीडियोस पाने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।